रहीम अस्सलाम वालेकुम, इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं कि मकई की फसल को क्या खतरात है। चूंकि मकई के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, मकई का रेट बहुत ज्यादा डाउन रहा है 1000-1200, लेकिन अब रेट में स्टेबिलिटी आई है 2000-2500 रुपया आम मार्केट में मुख्तलिफ मार्केट के हिसाब से रेट चल रहा है। दोस्तों मेरे मालूम में आया वो 2000-2500 तक रेट चल रहा है। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं मकई की फसल को आगे आने वाले वक्त में जो है वो कौन सा खतरा है और इस खतरे से हमने कैसे निमटना है। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे तस्वीरें भेजी हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मकई की फसल पर कुछ कुछ जो है वो लश्करी सुंडी का और फॉल आर्मी वर्म का जो है वो अटैक आया। तो दोस्तों सबसे बड़ा हमारा मकई की फसल का जो दुश्मन है वो फॉल आर्मी वर्म है। आप इसकी पहचान अगर करना चाहें तो इसके सर पर जो है वो वाई का निशान बना होता है और बदन पर दाढ़ी होती है। तो दोस्तों एक ऐसी सुंडी अगर इसको अर्ली स्टेज पर छोटी स्टेज पर हम कवर कर लें तो ये दोस्तों काबू आ जाती है। अगर ये बड़ी हो जाए तो फिर तगड़ी से तगड़ी दवाई भी दोस्तों जो है ना वो इसको तल्फ करने में जो है वो नाकाम रहती है। इसकी पहचान क्या दोस्तों, जब भी आप अपनी मकई की फसल में विजिट करने जाएंगे तो आपने देखना अगर आपके पत्तों पर स्क्रैचेज या पत्ते कोई थोड़े थोड़े खुरचे हुए नजर आते हैं ना, तो दोस्तों समझ लें कि फॉल आर्मी वर्म जो है ना वो हमारे खेत के अंदर जो है वो मौजूद है। तो दवाई जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पिछले साल भी दोस्तों मैंने इस पर वीडियो बनाई और दोस्तों की बहुत अच्छा फीडबैक आया, जिन दोस्तों ने इस्तेमाल की बहुत अच्छा दोस्तों उन्होंने जो है ना वो फीडबैक दिया। तो दोस्तों इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान में जो वाहद केमिस्ट्री है फॉल आर्मी वर्म के लिए बायर क्रॉपसाइन ने 2-3 साल पहले लॉन्च किया वाइगो के नाम से, वाइगो बेहतर से बेहतरीन। तो दोस्तों आपने जब आपकी मकई जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट की स्टेज पर हो, आपने वाइगो का जो है ना वो हिफाजती स्प्रे करना है। अगर आपको अलामत नजर आती हैं या नहीं आती, हिफाजती स्प्रे अगर आप दोस्तों कर देंगे तो दोस्तों उससे होगा क्या कि फॉल आर्मी वर्म की अगर छोटी छोटी सुंडियां भी आपके खेत में मौजूद है, अगर परवाने ने अंडे दिए उससे सुंडियां निकली तो वो छोटी छोटी सुंडियां जो है दोस्तों कल्फ हो जाएंगी। लेटर स्टेज पर जाने के बाद में जाके जब सुंडी बड़ी होती है तो क्या होता है कि सुंडी के ऊपर ही कुदरती तौर पर एक होल जो है ना वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी अगर हम दवाई का स्प्रे करते हैं तो दोस्तों हम उससे खातर खा मुनासिब रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये टोटका बहुत जरूरी है, वाइगो का एक स्प्रे एक बोतल 100 लीटर पानी में मिला के आप उसको अच्छे तरीकेकार से अपनी मकई को स्प्रे करें। कोशिश करें कि गुल्ले के अंदर जो है वो दवाई जाए ताकि सुंडी हमारे गुल्ले के अंदर दोबारा से पैदा हो ही ना सके। दूसरा दोस्तों, अगर किसी के दोस्त के फॉल आर्मी वर्म का मसला नहीं है तो दूसरा फार्मूला जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, रीजेंट जो है वो बायर क्रॉप साइंस की वो ले लेनी है आपने और एक बोतल बेल्ट की ले लेनी है। इन दोनों को दोस्तों मिक्स करके आपने तकरीबन 150 लीटर पानी में 1.5 एकड़ पर आपका दोस्तों ये स्प्रे हो जाएगा। दोस्तों कोशिश कीजिए क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, यानी कि अगर आप सस्ता प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो अगर 1000 रुपए का आ रहा है तो दोस्तों उसका असर 7 से 10 दिन होगा। अगर एक प्रोडक्ट आप 1500-2000 का ले रहे हैं तो दोस्तों अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो 20 से 25 दिन या 30 दिन तक अपना असर रखेगा। दोस्तों इन छोटी छोटी बातों पर आप जरूर तवज्जो दिया कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।